मानवता के लिए समर्पित समर्पण संस्था। मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है और कर्म ही एक व्यक्ति की सच्ची पहचान है। भगवान पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सबसे प्रेम करता है। साधारण जीवन शैली और उच्च विचारों में विश्वास करने वाले व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं और संतुलित जीवन व्यतीत करते हैं। वे आत्मविश्वासी होते हैं, परिस्थितियों से विचलित नहीं होते, दुखी लोगों की सहायता करते हैं और जरूरतमंदों के मित्र होते हैं। वे बीमार और असहाय लोगों की देखभाल करते हैं, समाज की समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उन्हें पढ़ने का अवसर प्रदान करने के लिए काम करते हैं। साथ ही महिलाओं को उनके उचित अवसर उपलब्ध कराना, प्रत्येक घर में नारी को उचित स्थान दिलवाने की कोशिश करना, साथ ही ऐसे काम जिससे समाज में महिलाओं और पुरुषों को बराबर स्थान मिले और किसी का शोषण ना हो, इसके लिए निरंतर काम करना ही कर्मयोगी व्यक्तियों की पहचान होती है। इन्हीं भावनाओं को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक अग्रणी संस्थान है, समर्पण संस्था, जिसकी स्थापना सन 2009 में समाज सेवी और आध्यात्मिक स्वभाव के धनी आर्किटेक्ट दौलतराम माल्या ने कुछ साथियों के साथ मिलकर की थी। तन मन धन प्रभु की देन है, ये हमें ईश्वर की कृपा से मिली है, ये हमें हमारी अपनी नहीं है। और इन मिली हुई तीनों चीज़ों को जब हम जरूरतमंद, असहाय, पीड़ित लोगों के लिए समर्पित कर देते हैं, इसी विचारधारा पर संस्था काम कर रही है। दूसरों के जीवन को मजबूत करने के लिए, उनको दृढ़ करने के लिए संस्था निरंतर पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है। अब तक संस्था द्वारा 83 कार्यक्रम किए जा चुके हैं और इन 83 कार्यक्रमों में 5 शिक्षा सहायता के कार्यक्रम किए जा चुके हैं। इन 5 शिक्षा सहायता कार्यक्रमों के तहत 264 बच्चों को किताबें, फीस, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी, ये शिक्षण सामग्री हर वर्ष इनको उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही समर्पण समाज गौरव सम्मान भी इस शिक्षा सहायता कार्यक्रम के साथ ही हम रखते हैं। उसमें जो समाज के लिए उत्कृष्ट काम कर रहे हैं उन लोगों को समर्पण समाज गौरव सम्मान से सम्मानित करते हैं। और साथ ही एक हमारा समर्पण आश्रय केयर भवन हम बनाने जा रहे हैं, वो प्रस्तावित योजना है संस्था की। उसमें अनाथ बच्चे और अनाथ बुजुर्ग, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं और ऐसे बुजुर्ग जिनके बच्चे नहीं हैं या प्रताड़ित बुजुर्ग हैं या एकाकी जीवन यापन कर रहे हैं, वो एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे, ऐसा हमारा सोचना है कि उनको बच्चों का प्यार मिले और उनको माँ बाप का प्यार मिले। इस तरह की संस्था की भावी योजनाएं हैं, उसके लिए जमीन दान में मिल चुकी है और साथ ही उसकी बिल्डिंग का काम भी, काफ़ी सारा काम किया जा चुका है। संस्था का सबसे जो बड़ा काम है वह एक वस्त्र बैंक है, ये पूरे राजस्थान में पहला वस्त्र बैंक है। इस वस्त्र बैंक में दानदाता कपड़े दान करते हैं, यहाँ जो कम पहने हुए कपड़े हैं वो और नए कपड़े या जमा करवाते हैं। इसके साथ ही जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको संस्था द्वारा भी भेंट किए जाते हैं और इसके अलावा जो समाज सेवी लोग हैं, जो दूसरी संस्थाओं वाले लोग हैं, वो यहाँ से कपड़े इशू करवा के ले जाते हैं और इशू करवा कर फिर वो ज़रूरतमंदों को बांटते हैं, अपने अपने तरीके से बांटते हैं। संस्था के इस वस्त्र बैंक में 2 रजिस्टर रखे हुए हैं, एक रजिस्टर वह है जो जिसमें कपड़े जमा किए जाते हैं, दूसरा रजिस्टर जो इशू किया जाता है। तो इस तरीके से ये परमार्थ का काम संस्था द्वारा किया जा रहा है। संस्था के समर्पित समर्पण सेवक मानव समाज में भेदभाव और ऊंच नीच की भावनाओं को कम करने की कोशिश करते हैं। आज समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर व्यवसाय से जुड़े बहुत से जाने माने प्रबुद्ध जन समर्पण संस्था से जुड़े हैं और मानव मात्र की सेवा के इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। अपनी स्थापना के समय से ही समर्पण संस्था की ओर से मानव मात्र के कल्याण के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं
और लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। संस्थान की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित कर जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराया जाता है। इसमें संस्था के आह्वान पर समाज के अलग अलग क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जुटते हैं और स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। संस्था का एक महत्वपूर्ण प्रयास है शिक्षा सहायता कार्यक्रम, जिसमें निर्धन परिवारों के जरूरतमंद बच्चों को इस उद्देश्य से उनकी पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक्स, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और स्कूल की फीस का चेक भेंट किया जाता है कि परिवार के पास धन की कमी की वजह से ये बच्चे स्कूल जाने और शिक्षा पाने से वंचित न रह जाएं। मेरा नाम निशा है, मैं एलएन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। सेवन्थ क्लास समर्पण संस्था से जुड़े हुए 3 साल से हम जानते हैं। वहाँ पे हमें फीस, बुक्स, कपड़े, किताबें, ये सबसे व्यवस्था मिलती है। माल्य सर का धन्यवाद करती हूँ मैं, 3 साल से हमारी मदद कर रहे हैं। मेरा नाम कृष्णा है, मैं एलएन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। माल्य सर बहुत अच्छे हैं, माल्य सर हमारी मदद करते हैं। स्कूल में पढ़ाई के काम की चीजें और फीस की राशि पाकर इन बच्चों और इनके परिजनों का उत्साह देखते ही बनता है। कौशल्या है मेरा नाम, और हमारे बच्चे सरलता से जुड़े हुए हैं 3 साल से, और इनका मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। माल्य सर का भी, इनकी वजह से हमारे बच्चों को फीस, बुक, किताब, बैग सब कुछ मिलते हैं। समर्पण संस्था का ये मानना है कि ये समाज उन लोगों के प्रयास से गतिमान होता है जो अपने अपने क्षेत्रों में मेहनत, लगन और समर्पण से काम करते हैं, और इन समर्पित लोगों की प्रतिभा का सम्मान होना ही चाहिए। इसी के लिए समर्पण संस्था समय समय पर समर्पण समाज गौरव सम्मान से उन विभूतियों को सम्मानित करती है जिनका समाज में विशिष्ट योगदान होता है। इन सब के अलावा संस्था के अन्य कार्यक्रमों में सरकारी स्कूल के बच्चों को निशुल्क अंग्रेजी पढ़ाना, निरक्षर महिलाओं को साक्षर करना, निशुल्क चिकित्सा शिविर, पौधारोपण, योग शिविर, प्याऊ लगवाना, पक्षियों के लिए परिंडे लगवाना, सामाजिक कुरीतियों पर परिचर्चा, ज्वलंत मुद्दों पर प्रदर्शन, मैराथन में सदस्यों द्वारा परहित की भावना को लेकर दौड़ लगाना जैसे काम मुख्य रूप से शामिल हैं। संस्था द्वारा राजस्थान का पहला वस्त्र बैंक भी स्थापित किया गया है। जहां दानदाता वस्त्र जमा करवाते हैं, जिन्हें संस्था जरूरतमंदों को पहुंचाने में निरंतर कार्य कर रही है। इतने बड़े स्तर पर किए गए समर्पण संस्था के इस प्रयास ने सभी से प्रशंसा पाई है। भक्तो देवी नाम नाम है, कल्ला नगर फाटक पर रहता है। गरीब आदमी है, और कपड़े देते हैं, रजाई देते हैं, कम्बर देते हैं, पैर भी उनको लड़का उनको कपड़ा देते हैं, सूट बुरशट देते हैं, सब चीज़ की मदद करता है। और धन धन्यवाद है माल्य सर की जो मदद कर रहे हैं। राष्ट्र पर जब कोई आपदा आती है तो संस्था के सदस्य उसमें सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। केरल में आई बाढ़ आपदा में संस्थान की ओर से 51,000 रुपए की राशि भेंट की गई। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों के परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए 65,000 रुपए का योगदान दिया गया। इस समय संस्था का एक महत्वाकांक्षी प्रस्तावित प्रोजेक्ट समर्पण आश्रय केयर भवन का निर्माण करना है, जिसमें अनाथ बच्चों और बुजुर्गों को एक साथ रखा जाएगा।
इसके लिए संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आर्किटेक्ट दौलत राम माल्या ने 525 वर्ग गज जमीन मेन 200 फीट सामरिया रोड पर दान दी है। जमीन पर सदस्यों के सहयोग से निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है, लेकिन इस महान कार्य को पूरा करने के लिए अभी भी बड़ी राशि और सहयोग की आवश्यकता है। इस तरह समर्पण संस्था का समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक मदद पहुंचाने और उन्हें संबल देने का प्रयास संस्था के समर्पित सदस्यों के प्रयासों से अनवरत जारी है। आइए मानव सेवा के इस मिशन में समर्पण संस्था के साथ जुड़कर एक साथ मिलकर नए भारत का निर्माण करें और अपने जीवन को सार्थक करें।